अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद फ़ियाज़ शाह, सीनियर हॉर्टिकल्चरिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न एग्री टेक्निक्स। ये देखिए, मैंने छोटा सा टनल बनाया है। मैं पहले भी आपको गाइड कर रहा हूं कि आप किचन गार्डनिंग की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि हमारी जो वेजिटेबल्स बाज़ार से हम ले रहे हैं वो प्योर जहरे हैं, गंदे पानी से वो उगा रहे हैं, और डेली स्प्रे हो रहे हैं। आज स्प्रे होती है, सुबह सब्ज़ी मार्केट में होती है। ये देखें, मैंने ये कोई 5 पौधे चेरी टमाटो के लगाए हैं। चेरी टमाटो आपको पता है बहुत महंगा बिकता है, तो ये हाइब्रिड हैं। ये 5 पौधे, आप इनकी हाइट देख लें, ये देख लें कि कम से कम ये इतने हो चुके हैं। इनकी हाइट आप देखें, इसमें से साइडों पे जो शक्कर निकलते हैं वो आपको रिमूव करने पड़ते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन 4 फुट पे आ गए हैं, अभी तो ये हाइट कर रहे हैं, और जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा इन पे फ्रूट आएगा। तो इसके बाद मैंने और ये ककुम्बर भी लगाया है, खीरे के पौधे हैं, इनको भी ऐसे ही ऊपर चढ़ा देंगे तारों पे, और आप देखेंगे ये एक घर के लिए मसलन ये कितनी जगह है। ये 5x10 है तकरीबन, या 6x10 है एरिया टोटल, और हाइट इसकी है तकरीबन 8 से 9 फुट, तो ये ऊपर तक जाएंगे। और एक घर के लिए कितने टमाटर चाहिए होते हैं वो आप खूबसूरत तरीके से उगा सकते हैं। ये कितना खूबसूरत यानी व्यू है, आप देखिए आप अपने घर के लिए। फिर इसमें मैंने और जो F2 टमाटर हैं वो भी, उनकी मैंने नर्सरी लगाई हुई है, वो भी ऊपर आ रहे हैं, उनको भी हम ऊपर चढ़ा देंगे। मिर्चें हैं, खीरा है, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे लगाई हैं, और आगे एक छोटा सा टनल बनाया जिसमें हमने बैंगन लगा दिया है। तो ये छोटी सी जगह हैं जिनसे हम पूरे घर की सब्ज़ी ले सकते हैं। आपको मिर्चें भी फ्रेश मिलें, खीरा भी फ्रेश मिल जाए। ये देखें, ये कोकम्बर का पौधा है, अब ये भी हमने ऊपर चढ़ा देने हैं सारे तारों पे, छोटी सी जगह है, उस पर कितना ज़्यादा फ्रूट आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह जिस वक्त ये फ्रूटिंग पे होगा तब मैं फिर आपको इसकी वीडियो अपलोड करूँगा, ये वीडियो भी मिला के दूँगा। तो आज देख लें कि यानी दिसंबर का महीना है, दिसंबर का 3rd वीक शुरू होने वाला है, बल्कि 3rd वीक है, 3rd वीक शुरू होने वाला है। तो ये जब टमाटर इतना महंगा होगा तो आपके घर में अपना टमाटर, ये देखें ये फ्लावरिंग पे है, इसके फ्लावर आपको बड़े क्लियर कट नज़र आ रहे हैं, ये इसके फ्लावरिंग स्टेज पे है, ऊपर ये सारे फ्लावर लग रहे हैं, गुच्छों की शक्ल में लगेगा, और आपको आपके घर के टमाटर कमल यहाँ से मिलेंगे। इस तरीके से अपने बच्चों को, खुद को इन जहरों से बचाएं। जो मार्केट से सब्ज़ियाँ आ रही हैं ये प्योर गंदे पानी की सब्ज़ियाँ हैं, रोज़ स्प्रे होता है, आप खुद अंदाज़ा करें, जब एक दिन स्प्रे हो दूसरे दिन सब्ज़ी मार्केट में हो, ये धो के वहाँ पे जनाब आपको पेश कर देते हैं रंग बिरंगी सब्ज़ियाँ, और जहरें हम लोग खा रहे होते हैं, और ये लोग पैसे कमा के और 4 फसलें लेते हैं गंदे पानी से। तो और स्प्रे पालक में मसलन आज स्प्रे हुआ है, सुबह पालक मार्केट में होती है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी सोचने और समझने वाली हैं। हम तो खुश होते हैं कि वी आर नाउ वेजिटेरियन, हम सब्ज़ियाँ खा रहे हैं जनाब, तो लेकिन फ़ायदे की बजाय हम जहरें खा रहे हैं, उबाल उबाल के जहरें खाए जा रहे हैं, और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। दोबारा किचन गार्डन तरफ तवज्जो दें।
ये आपके घर की ताज़ा फ्रेश सब्ज़ी विदाउट एनी स्प्रे ये आप हासिल कर सकते हैं अच्छे पानी से, साफ़ सुथरा पानी से। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये आपको दोबारा ये वीडियो अपलोड करूँगा जिस वक्त ये फुल फ्रूटिंग स्टेज पे होंगे। थैंक यू।